आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। कोरोना महामारी के दौरान केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त एवं सस्ते अनाज वितरण के लिए उचित मूल्य की दुकान पर भारी मात्रा में अनाज भेजा था, लेकिन ऐसे विपत्ति काल में भी बड़वानी जिले के पाटी क्षेत्र में राशन दुकानदार और सेल्समैन द्वारा जिस तरह गरीबों के मुख से निवाले छीने गए और अनाज वितरण में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, वो सरकार और प्रशासन के लिए आंखें खोलने को पर्याप्त है। सारे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार विभाग के जिला अध्यक्ष संजय कुमावत ने इन दुकानों का निरीक्षण किया और यहां हितग्राहियों ने सेल्समैन और दुकानदारों की मनमानी और बेईमानी की पोल खोली। देखिए बड़वानी जिले से पाटी से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। पाटी क्षेत्र में उचित मूल्य की राशन दुकानों पर शासन द्वारा भेजे गए अनाज वितरण में हो रही खुली लूट। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार प्रमुख के निरीक्षण में गड़बड़ियों का हुआ खुलासा। बड़वानी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह शासन की योजनाओं को खुले आम मखौल उड़ाया जा रहा है, वो आम लोगों के लिए चिंताजनक और सत्ता में बैठी सरकार के लिए घातक है। मामला बड़वानी जिले के पाटी का है, जहां केंद्र और राज्य सरकार कोरोना महामारी के चलते गरीब आदिवासियों के लिए सस्ते दर और मुफ्त में अनाज उपलब्ध करवा रही है, किंतु यहां पर जिस तरह भोले भाले गरीब आदिवासियों के निवाले पर भी लूट मची है, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाले हालात बयां करती है। पाटी जिला मुख्यालय बड़वानी विधानसभा का अंग है, लेकिन यहां के राशन दुकान वालों को न प्रशासन का डर है न सरकार का। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब जिले के प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार विभाग के जिला अध्यक्ष संजय कुमावत ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान पर जो व्यक्ति राशन बांट रहा है, वो पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित हो चुका है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों की आंखों के नीचे वो अभी भी राशन वितरण का कार्य कर रहा है। जब जिम्मेदारों से पूछा गया तो वे टालमटोल करते नजर आए। यहां के सेल्समैन जाकिर हुसैन से कोई जानकारी ग्रामीण पूछते हैं तो उसका बेशर्मी से जवाब देता है, जितना मिल रहा है उतना ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। जिला अध्यक्ष ने यहां के हालात देकर कहा कि महामारी के दौरान लॉकडाउन में जो अनाज का वितरण हुआ तथा जहां से भी हेराफेरी और अनियमितता की शिकायतें मिली, सभी जगह जांच करवाई जाएगी तथा जो भी दोषी निकलेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। देखिए बड़वानी से नरेश राय के साथ हेमराज मालवी की खास रिपोर्ट। कहां रहते हैं आप? यहां अभी सोसाइटी में आपको कितना अनाज मिलता है? 25 किलो। कितने महीने से मिल रहा है आपको 25 किलो? सब पूरा मतलब अप्रैल से अभी तक आपको 25 किलो अनाज मिल रहा है हर महीने? ठीक है। सूर सिंह, कहाँ रहते हैं आप? बुद्धि रहते हैं। बुद्धि रहता है। यहाँ अभी सोसाइटी में आप आए हो? क्या समस्या है आपको? 30 किलो गेहूँ मिलता है हमेशा। हमेशा 30 किलो? 5-6 महीने से जो मिल रहा है वो भी 30 किलो? 30 किलो से ज्यादा नहीं मिला? कहीं नहीं ज्यादा मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? आपके कूपन पे तो चढ़ा हुआ है। वो चढ़ा देते यार, वरना हमको गांडा डूब गए, हमको काई पता है यार। अच्छा, चढ़ा देते आपको कोई पता नहीं रहता? हमारा पोता नहीं होता है, हमको कैसा कैसे क्या हूँ। ठीक है, नाम है आपका? संजय कुमावत। किस पद पे पदस्थ हैं आप? मैं अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान समिति का जिला अध्यक्ष हूँ बड़वानी से। सर आज आप यहाँ सोसाइटी में आए हैं, किस लिए आए हैं? हाँ, आज हमारा क्या इधर पाटी विकास खंड के अंतर्गत प्रवास का कार्यक्रम था, तो इधर पाटी से निकले तो सोचा कि चलो यहाँ की दुकान खुली है तो कम से कम निरीक्षण करते चलो। जी सर, क्या देखा आपने, क्या व्यवस्था है और कैसी? यहाँ पर देखा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, आज जो जैसे लॉकडाउन के अंतर्गत जो फ्री का राशन जो मिल रहा है और जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राशन मिल रहा है, लेकिन कहीं ऐसे हितग्राही हैं कि जिनको राशन मिल नहीं रहा है। सबसे बड़ी विपदा ये है कि राशन हितग्राहियों के राशन कार्ड पे तो चढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह क्या है कि आदिवासी बाहुल्य इलाका है, अधिकतर यहाँ के हितग्राही किसान भाई क्या है, अनपढ़ है। तो यहाँ के जो दुकान संचालक है, इनका अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए इनको कार्ड पे तो क्या है कि राशन चढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। अभी ऐसी ही स्थिति हमने कम से कम 5-6 हितग्राहियों से देखी और उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्या दाल वगैरह ये सभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, किसी ने ऐसी कोई शिकायत? बहुत सारे हितग्राहियों ने बताया कि हमें अभी तक दाल भी नहीं मिली, चना साबुत मिल रहा है लेकिन दाल नहीं मिली है। तो जबकि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा
तीन महीने की दाल बंटवाई गई थी, लेकिन यहाँ पर आज तक कहीं ऐसे किसान है कि मान लो मजदूर वर्ग है, उनको दाल नहीं मिली है। ठीक है सर। जी सर, सर किस पद पर पदस्थ हैं यहाँ? सहायक। सहायक क्या सर? सेल्समैन। अच्छा सेल्समैन है आप यहाँ पर। यहाँ सोसाइटी में बहुत से लोगों ने ये कहा है कि आप कार्ड पे राशन तो चढ़ा हुआ मिले है, लेकिन राशन नहीं मिला है उन लोगों को, ऐसे लोगों का कहना है। सर दिया है, ऐसी बात नहीं है, दिया है सर। पर यहाँ के लोगों का कहना ये है कि हम लोग अनपढ़ हैं, इस वजह से हम लोगों को राशन नहीं दिया गया। गलत तेरा माल दिया है सर। बहुत सी जगह पर्ची पे देखा है हमने कि कहीं 30 किलो चढ़ा हुआ है, लेकिन उसको पिछले एक साल या 1.5 साल से 5 किलो अनाज मिला है। 5 किलो मशीन बता रही थी सर। तो सर वर्तमान में अगर चेक किया गया है तो मशीन भी 25 किलो बता रही है। अभी बता, अभी डाला होगा सर इस बार तो 25 किलो बता रही है। चाहे करवाया होगा और अपलोड किया होगा तो डाला होगा सर। सर क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो पीएम ने फ्री अनाज देने की घोषणा की है, वो अनाज कहीं ना कहीं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है? मिल रहा सर, देखे ना ये लिखा है सर कार्ड पे तो चढ़ा हुआ है। गरीबों का कहना ये है या यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग अनपढ़ है, हम लोगों को पता नहीं? पीएम लिखा हुआ है, देखिए आप इसमें सर। हाँ कार्ड पे तो सर चढ़ा हुआ है, कार्ड की तो बात कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सभी झूठ बोल रहे हैं? एक अकेले आप? एक दो बाकी दूसरा तो बोल रहे हैं, मिला कह रहे हैं सर वो। ठीक है सर। किस पद पे पदस्थ हैं सर? सहायक पदाधिकारी। सर पार्टी के अंतर्गत प्रॉपर पार्टी उचित मूल्य की दुकान के ऊपर कुछ लोगों का कहना ये है कि हम लोगों के राशन कार्ड पे जो चढ़ाया जाता है वो राशन हम लोगों को नहीं मिल पाता है, उससे कम मिलता है। चूँकि मुख्यमंत्री के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा अनाज दिया जा रहा है, तो हम लोगों को मुख्यमंत्री वाला मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है वो नहीं मिलता है। क्या कहेंगे सर? ऐसी कोई अभी तक हमारे पास तो शिकायत नहीं आई है। पहले जो आधार सीडिंग के संबंध में हमने अभी सबके आदेश जारी करे थे, उसमें पार्टी दुकान का या आधार सीडिंग का प्रगति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने वो सेल्समैन को तत्काल उस समय हटा भी दिया था। इसी वजह से अगर ऐसी कोई शिकायत है तो हम जांच करवा लेते हैं। सर चूँकि अगर निलंबित किया गया है वो व्यक्ति ही अनाज आज वितरण किया जा रहा है, तो क्या कलेक्टर साहब के निर्देश का पालन नहीं हो रहा या अवहेलना हो रही है किसी प्रकार? नहीं ऐसी हमारे पास तो अभी तक कोई जानकारी नहीं थी, आप बता रहे हो तो ये दोनों चीज़ें की जाँच करवा लेते हैं ना। सर एक व्यक्ति है वहाँ पर जी, उस व्यक्ति के यहाँ 1.5 साल से 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन जो उसकी स्लिप है वो 30 किलो की है, लेकिन उसे 5 किलो ही दिया जा रहा है। तो वर्तमान स्थिति में जब मशीन में चेक किया गया है तो 25 किलो अनाज उसको देना पाया गया है, लेकिन उसको 5 किलो ही दिया जा रहा है, 1.5 साल हो गए हैं। ये सब जांच के विषय है, अभी फिलहाल तो मैं यही बता सकता हूँ कि जैसे आप अभी जो बता रहे हैं हम वहाँ के इंस्पेक्टर साहब से जांच करवाते हैं, अगर अनियमितता मिलेगी तो कलेक्टर साहब के भी मंशा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, तो कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।